मोकामा पुलिस की एसआईटी ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे अंतरजिला गिरोह के 5 कुख्यात लुटेरों को दबोच लिया। इंस्पेक्टर राजनंदन शर्मा के नेतृत्व में मोकामा पुलिस ने मोर गांव के पास से मिथिलेश बिंद, अनिल कुमार, नीतीश कुमार, मुकेश कुमार, हारो बिंद को 2 देशी कट्टा, 5 कारतूस, मोबाइल फोन, लूट की बाइक, गांजा समेत धर दबोचा। गिरफ्तार सभी लुटेरे मोकामा, लखीसराय, बेगूसराय जिलों में लूटपाट की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए। आए दिन लूटपाट की अंजाम पाती वारदातों के बाद गठित एसआईटी को यह अहम सफलता मिली है। बाढ़ एएसपी अमरीश राहुल ने टीम में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करने की अनुशंसा की है। ब्रजकिशोर पिंकू की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल वाला भी बना लीजिएगा। 27 तारीख को होली से 2 दिन पहले मोकामा बाईपास, जो कि आप लोग जानते हैं कि 3 जिले का बॉर्डर है, लखीसराय है, बेगूसराय है और पटना है, वहां पर एक यमहा एक्सेंट गाड़ी को छीन लिया गया था कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा पिस्तौल के बल पर। साथ ही साथ एप्पल आईफोन भी छीन लिया गया था और कुछ पैसे भी छीन लिए गए थे। तो जैसे ही इसकी सूचना मोकामा थानाध्यक्ष को प्राप्त हुई, इन्होंने अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित किया। हम लोगों ने तुरंत सारे थाने को अलर्ट किया था, कई जगह नाकेबंदी भी की थी, गाड़ियों की सघन चेकिंग भी हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी चतुर अपराधकर्मी थे ये लोग निकल भागने में सफल रहे थे। चूँकि ये एक बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है मोकामा, और लूट जैसी दुर्घटना है यह भी बहुत संवेदनशील है, इसलिए हम लोगों ने तुरंत ही एक एसआईटी का गठन किया था मोकामा थानाध्यक्ष श्री राजनंदन के नेतृत्व में, और लगातार छापेमारी करने का और गिरफ्तारी का उद्भेदन करने, कांड के उद्भेदन करने का निर्देश ने दिया गया था। आज यानी कल इस कांड का सफल उद्भेदन हो गया है। सभी 5 अपराधी जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। जब उनको मोर पेट्रोल पंप के सामने वो एक नए डकैती की योजना बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसी योजना बनाते समय उन्हें गिरफ्तार किया गया। आप देख रहे हैं कि उनके पास से दोनों पिस्तल जो उन्होंने घटना में यूज़ किया था वो बरामद किया गया है, साथ में जो मोबाइल एप्पल फ़ोन लूटा गया था वो बरामद हो गया है। 2 मोटरसाइकिल से एक उनकी अपनी मोटरसाइकिल है और एक उन्होंने बेगूसराय ज़िले से लूटा था मोटरसाइकिल, उनके साथ बरामद किया गया। कुछ गांजा भी मिला है उनके पास से। फिर जब उनकी उनसे पूछताछ की गई कड़ाई से, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो मोटरसाइकिल जो हमारे यहाँ से लूटा गया था उसे रामपुर डुमरा क्षेत्र में डियर क्षेत्र में छुपा कर रखा गया है। हमारी एक छापेमारी दल की टीम बनी अगेन मोकामा थानाध्यक्ष राजनंदन के नेतृत्व में, और इन्होंने वहाँ पर सघन छापेमारी की, क्योंकि डियर क्षेत्र है और बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन में इस गाड़ी को छुपा कर रखा गया था। लेकिन फाइनली हम लोगों ने कल शाम को यह गाड़ी भी बरामद कर ली है। इस तरीके से मैं कहूँगा कि जो लूट वाली घटना हुई थी इसका कंप्लीट डिटेक्शन हो गया है, सारे अपराधी पकड़े गए हैं और जितनी भी गाड़ियाँ और मोबाइल फ़ोन लूटा गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। इसके लिए मैं मोकामा राजनंदन थाना प्रभारी श्री राजनंदन को धन्यवाद देना चाहता हूँ और इनके लिए प्रशंसा पुरस्कार के लिए इनका लिखा जा रहा है। और कुछ